हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही प्यारी सी केपरी बनाना सिखाते हैं। ये आप बेबी को भी पहना सकती हैं और बाबा को भी पहना सकती हैं। आपने हमें कमेंट्स भेजा था कि हमें केपरी बनाना सिखाइए। देखिए, हम आपको केपरी बनाना सिखाते हैं। ये 4 साल के बेटे के लिए है। इसकी लंबाई 17 इंच है और चौड़ाई 8 इंच है कपड़े की। यहाँ से हम 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और इसको इस तरीके से शेप में काट लेते हैं। यहाँ से हम 8 इंच पर लंबाई में निशान लगाते हैं और इस तरीके से 2 इंच का चौड़ाई में लेते हैं इसको। फ्रेंड्स, ये मीडियम बच्चे के लिए है। अगर आपका बेबी हेल्दी है तो आप इसको चौड़ाई में 9 इंच कपड़े को ले सकती हैं। यहाँ से हमने मोहरी इसकी 5.5 इंच रखी है और इस तरीके से इसमें शेप दे देते हैं। यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं इस तरीके से मुड़ने के लिए, लेकिन हम इसमें दूसरी तरह का कपड़ा लगाएंगे इसलिए इसको बाद में काट देते हैं। ये हमने आपको बताने के लिए नीचे से निशान लगाया है। इसमें हम गोलाई कर देते हैं इस तरीके से और 5 इंच का इस तरीके से निशान लगा देते हैं। यहाँ पर सीधा निशान हमें खुले हुए हिस्से की तरफ लगाना है। अब हम इसको काट लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप किए बिना देखना, तभी आपको पूरी वीडियो का पता चलेगा कि किस तरीके से ये बनी हुई है और आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये देखिए, हमने इस तरीके से इसको काट लिया है। ये शेप काटनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आगे की फ्रंट में पैंट का लुक आ जाता है। अब हमने 2 पीस नीचे के डबल लिए हैं, इतनी ही चौड़ाई के, 8 इंच की चौड़ाई के लिए हैं और लंबाई इसकी 17 इंच है। इसी तरीके से शेप में इसको काट लेते हैं। और फ्रेंड्स, जब आप इस केपरी को बना लें तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करिएगा कि केपरी कैसी बनी है आपकी। देखिए, इस तरीके से हम बैक साइड में हमें इस तरीके से निशान लगाना है, ये नहीं करना है, सिर्फ सीधा निशान लगाना है इस तरीके से गोलाई में। फ्रंट में सिर्फ हमें आगे की तरफ एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए, हमारे बैक साइड के पीस तैयार हो गए हैं। ये बैक साइड का है हमारा और ये हमारा फ्रंट साइड का है। इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ देंगे। यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाते हैं हम ऊपर की साइड से, ताकि आगे का आसन हमारा ज़्यादा ना हो और ये ना लटके। इस तरीके से हम इसको काट देते हैं। ये देखिए, हमने इसमें मैचिंग करने के लिए ये कपड़ा लिया है। इसको हम पॉकेट में लगाएंगे, ऊपर की बेल्ट में लगाएंगे और नीचे की मोहरी में लगाएंगे। इसमें फ्रेंड्स, हमने पॉकेट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बनानी बताई है। देखिए, हम नीचे से ये लगाएंगे तो इसलिए इसमें से काट देते हैं ये। अगर आपको नीचे से इसी में से ही मोड़ना है, दूसरा कपड़ा नहीं लगाना है, तो आप इस शेप का काटिए। अब ये हम 1.5 इंच की पट्टी लेते हैं नीचे मोहरी में लगाने के लिए। इसको हम डबल ली है हमने, ये बीच से काट लेते हैं। 3 इंच की पट्टी ली है, 1.5 इंच की हमने 2 काट ली है, 1.5। अब यहाँ से हम ऊपर से 1 इंच का गैप दे देंगे। यहाँ से हमें 3 इंच की पॉकेट पर निशान लगाना है। पूरी लंबाई हमारी 4 इंच हो गई है। इस तरीके से हमें, ये देखिए, यहाँ की बीच की चौड़ाई हमारी 3 इंच की हो गई है। हम बीच में सबसे पहले एक सेंटर में निशान लगाते हैं, उसके बाद इस तरीके से लाइन कर लेते हैं। 1 इंच का हमें ये निशान लगाना है, उसके बाद हम गोलाई कर लेते हैं इसकी। देखिए इस तरीके से। ये फ्रेंड्स, सिर्फ फ्रंट के 2 पीस में पॉकेट हमें काटनी है, बैक के पीस में हमें पॉकेट नहीं काटनी है। ये सिर्फ फ्रंट के पीस में हमें 2 पीसों में पॉकेट काटनी है। ये देखिए, अब हम पॉकेट का कपड़ा लेते हैं। ये 8 इंच की लंबाई का है और 8 इंच की चौड़ाई का है। इस तरीके से हम इसको काट लेते हैं। ये हमें 2 पॉकेटों के लिए कपड़ा काटना है। 8 इंच का एक कपड़ा काटना है चौड़ाई लंबाई का, 8 इंच का दूसरा काटना है।
ये हमने 2 पीस ले लिए हैं। अब हम इसको यहाँ से काट देते हैं। ये इस तरीके से हमारी पॉकेट इसमें यहाँ पर लग जाएगी। अगर आप इसे थोड़ी बड़ी बना रही हैं तो उसी हिसाब से सब सामान थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, माप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ये यहाँ पर हम बेल्ट की लंबाई का कपड़ा लेते हैं। ये चौड़ाई में हमने 2.5 इंच लिया है। फ्रेंड्स, बेबी के बेल्ट में कभी भी चौड़ी इलास्टिक नहीं लगाते हैं, 1 इंच से कम इलास्टिक लगाते हैं। इससे हमारे बेबी के निशान नहीं पड़ते हैं। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट के 2 पीस हैं जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था। सबसे पहले हम इस पर यहाँ बीच में एक सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे की गोलाई में यहाँ तक निशान लगा लेते हैं जहाँ तक हमने कपड़े को काटा हुआ है, इस तरीके से। अब हम इसमें गोलाई में कट लगा लेते हैं। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से पलट लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करते हैं। ये हमारा इस तरीके से कपड़ा बैठ गया है। ये देखिए, खुला हुआ हिस्सा। ये आगे का डिज़ाइन हमने सेम इसमें इसी तरीके से बना दिया है जैसे पैंट में बनाते हैं, लेकिन इसमें जिप नहीं लगाई है। इससे हमारी कैप्री का बिल्कुल रेडीमेड का लुक आ जाता है और बहुत प्यारी लगती है। ये आप बेबी को भी पहना सकती हैं और बाबा को भी पहना सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर सेम इसी तरीके से कैप्री बनाएंगी आप, तो इसी तरीके से बहुत प्यारी कैपरी आपकी घर पर ही छोटे से पीस में तैयार हो जाएगी। ये कैपरी हमने आधा मीटर कपड़े में बनाई है, और डिज़ाइन के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकती हैं। इस तरीके से हम इस पर डबल सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन कितना प्यारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं इसको शेप में गोलाई देकर। ये देखिए, हमारा ये सेम ऐसा ही डिज़ाइन बन गया है। अब हम बीच के पीस में भी आसन पर अपने सिलाई लगा लेते हैं और इसमें कट लगा लेते हैं। गोलाई में कट लगाने ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमें पलटने में आसानी होती है। अब इसके ऊपर सारा कपड़ा इस सिलाई के नीचे करते हुए नीचे का इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। हमें यहाँ से सेम इधर की तरफ को कपड़ा करना है जिस साइड को आगे का कपड़ा हमने किया हुआ है। इसके ऊपर भी हम 2 सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये कलर धागे का हमने अपने जो कपड़ा इसमें लगा रहे हैं प्रिंट में मैच करते हुए लिया है। आप अगर एक ही कलर का बना रहे हो तो सेम धागा भी लगा सकती हैं और दूसरे कलर का भी धागा लगा सकती हैं। देखिए, अब हम पॉकेट बना रहे हैं। फ्रेंड्स, इस पॉकेट को अच्छी तरीके से देखिए, आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। हमने इसमें गोलाई की शेप डिज़ाइन बनाने के लिए, कि बेबी के अच्छा लगता है डिज़ाइनिंग, तो इसलिए हमने इसके गोल शेप दी है। इसी तरीके से आप सीधी शेप में भी इसको बना सकती हैं पॉकेट को, तरीका सेम यही होगा। देखिए, अब हम सारा कपड़ा जिस हिस्से से हमने कट लगाए थे इसमें भी अंदर की तरफ गोलाई में हमें कट लगा लेने हैं, और यहाँ पर सारा कपड़ा जिस पर कपड़े पर हम सिलाई लगा रहे हैं उसके नीचे कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलट लेते हैं और इसके ऊपर हमें 2 सिलाई लगा लेनी है। हमने आपको पॉकेट का डिज़ाइन अच्छी तरह दिखाने के लिए वीडियो को फास्ट नहीं किया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है अच्छी तरीके से दिखाने के लिए। ये देखिए, 2 सिलाई लगा ली है इस तरीके से हमने इसके ऊपर। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से देख लेते हैं कि हमारा किस साइड से नीचे का मुड़ना है। इस तरीके से नीचे के इस हिस्से पर सिलाई लगा देते हैं, इसको पलट लेते हैं। ये देखिए, हमारी कितनी प्यारी प्यारी सी पॉकेट दोनों तरफ की बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, पॉकेट लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार आप समझ जाए तो आप किसी भी चीज़ में अपने आप पॉकेट लगा सकती हैं, सीधी शेप में भी लगा सकती हैं और कोई भी डिज़ाइन
इसको दे सकती हैं पॉकेट को। इस तरीके से हम यहाँ पर साइड में इसका कपड़ा चिपका लेते हैं सिलाई लगाकर, ऊपर की साइड से भी और बराबर की साइड से भी। अब हम पीछे का पीस इसके ऊपर रखकर इस तरीके से साइडों में सिलाई लगा लेते हैं अपनी। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप बड़ी केपरी भी बना सकती हैं। मैंने भी इसी तरीके से अपने बेटे की केपरी बनाई हुई है, जो कि 15 साल का है और बहुत अच्छी फिटिंग की उसकी केपरी आती है। इस तरीके से हम दोनों तरफ की सिलाई लगा लेते हैं। अब सारा कपड़ा हमें नीचे का जो सिलाई का हमारा कपड़ा है, बैक साइड की तरफ को कर देते हैं उसको, और उसी के ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं। बैक साइड पे ही हमें सिलाई लगानी है। अब हम इसके बराबर में दूसरी सिलाई लगा देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने दूसरी डबल डबल सिलाई सब जगह इसलिए लगाई है क्योंकि इससे रेडीमेड का लुक आ जाता है कि हमारी केपरी ये बिल्कुल रेडीमेड सी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए, हमने यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा ली है इसके। ये देखिए, हमारी पॉकेट भी और साइड की पॉकेट भी लगकर बिल्कुल कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ पट्टी लगा लेते हैं जो हमने 1.5 इंच की काटी हुई थी। एक सिलाई हमें यहाँ पर लगा लेनी है। यहाँ से हमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल देना है क्योंकि हमारे नीचे की चौड़ाई कम होती है और ऊपर की ज़्यादा होती है। इससे ये हमारे ऊपर और नीचे अच्छी तरीके से कपड़ा आ जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स, हम अपने सबसे पहले इस पे पट्टी पर कन्नी की एक सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसको काट लेते हैं। ये इस तरीके से हमारा तिरछा कटता है। यहाँ से ऊपर से अंदर की तरफ को हम इसको मोड़ते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी पट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी मोहरी पर भी लगा लेते हैं यहाँ पर। ये हमने दोनों तरफ पट्टियाँ लगा ली हैं। अब हम इसको इस तरीके से मोड़ लेते हैं, उल्टी कर लेते हैं इसको और इस तरीके से मोड़ लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं फ्रंट और बैक का पीस, और बीच में आसन पर इसकी सिलाई लगा देते हैं यहाँ। इस तरीके से हम इसके साइडों में सिलाई लगा देते हैं। यहाँ से पक्का कर देते हैं, फिर इसके ऊपर हम दूसरी सिलाई लगा देते हैं। ये हमने सिलाई लगा दी है, ये पॉकेटें बनकर तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी प्यारी सी हमारी केपरी बनकर तैयार हो गई है। अब ऊपर की तरफ हम लास्टिक लगाते हैं। ये पट्टी बीच की है, हम अपना जोड़ इसको हम यहाँ पर बीच में रखकर इस पर सिलाई लगा लेते हैं। दूसरा जोड़ हमारा बिल्कुल बराबर करते हुए आगे की तरफ आ जाएगा। अगर आपके पास इतनी बड़ी पट्टी है कि बिना जोड़ के आ जाए तो आप इसको ऐसे भी लगा सकती हैं। ये देखिए, हमने चारों तरफ से ये लगा लिया है। अब ये हमारा बीच का खुला हुआ हिस्सा है, फ्रंट पे यहाँ पर आ गया है ये। इस पर हम इस तरीके से करते हुए सिलाई लगा लेते हैं, दोनों पीस को जोड़ लेते हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको मोड़ेंगे। अब हमने ये 16 इंच की लास्टिक ली है और इस पर इस तरीके से डबल करते हुए सिलाई लगा देते हैं। फ्रेंड्स, लास्टिक आपको हमेशा अपने बेबी के माप के हिसाब से रखनी चाहिए। उसकी कमर माप लीजिए कितनी है और उसके हिसाब से 2 इंच कम रख लीजिए। इससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और बेबी के टाइट या लूज भी लास्टिक नहीं होगी। इसको अंदर की तरफ को करते हुए हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेते हैं। हमें अंदर की लास्टिक को खींचते हुए बराबर करते रहना है बीच बीच में, और इस पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ते हुए लगा लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी हमारी पट्टी लगकर तैयार हो गई है। ये पूरी लास्टिक हमारी लग गई है। अब हम इसके बीच में इस तरीके से खींच लीजिए सबसे पहले इसको, और इसके बीच में इस तरीके से हम सिलाई लगा देते हैं खींचते हुए। चारों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है।
फ्रेंड्स, आप वीडियो में इतना खो जाते हैं कि हमें लाइक करना भूल जाते हैं। आप लाइक करते हैं तो हमें और अच्छे अच्छे से डिज़ाइन बनाने का हौसला मिलता है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये देखिए हमारी कितनी प्यारी सी छोटी सी केपरी बनकर तैयार हो गई है। ये 4 साल के बच्चे के लिए है। ये 16 इंच बिल्कुल तैयार बैठ गई है। जितना माप हमने आपको बताया था उस माप के हिसाब से ये 16 इंच तैयार बैठ गई है। देखिए कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आकर तैयार हो गई है। ये आप बेटे और बेटी को दोनों को पहना सकते हैं। हमने दूसरे कलर का धागा इस कपड़े की मैचिंग से लगाया है, इससे इसमें और ज़्यादा ग्रेस आ गया है और ज़्यादा प्यारी लग रही है ये। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।